आचार्य प्रशांत जी प्रणाम। मैंने आपको एक वीडियो में कहते हुए सुना कि अपने देश में किसी सब्जेक्ट में 33% पाए जाने पर पास कर दिया जाता है, और इस पर आपको आश्चर्य होता है। आपका मानना है कि 33% पर पास कर दिया जाना उचित नहीं है, क्योंकि किसी सब्जेक्ट का अगर कोई 33% लाता है मतलब उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। हो सकता है आपके कहने का अर्थ कुछ और रहा हो, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि 33% पे पास तो कर दिया जाता है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में नकल कितनी होती है? अगर नकल को हटा दिया जाए तो 33% लाने वाले छात्र भी बहुत कम होंगे। ऐसा एक दो बार देखा गया है, जब नकल विरोधी अध्यादेश आया था तो पास होने वालों का परसेंटेज कई गुना घट गया था। मुश्किल से 15-20% लोग पास हुए थे, 33% मार्क्स भी नहीं ला पाए थे। और अगर 33% को पास मार्क नहीं रखते हैं या परीक्षाओं को कड़ी कर देते हैं तो उसके नतीजे क्या होंगे? लोग हाई स्कूल में फेल होंगे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानेंगे। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हाई स्कूल पास करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आज किसी तरीके से हाई स्कूल पास कर लेते हैं तो कल आगे की पढ़ाई भी इसी तरीके से पूरी होगी, और फिर जो युवा से नौकरी मिल जाएगा। इस चक्कर में 5-5 बार लोग हाई स्कूल की परीक्षा देंगे और पास करेंगे, और उसका लोड कौन उठाएगा? देश। एक एक छात्र को हाई स्कूल पास कराने के लिए सरकार का लाखों रुपए खर्च होता है। तो ऐसे में अगर 33% की बाध्यता को बढ़ा के ज़्यादा कर दिया जाए, 40%, 50% या उससे भी ज़्यादा, तो फिर देश के ऊपर कितना ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा।